टेक बड़ी अभिजीत एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर ग्रांटेड। तो बेसिकली हम लोग सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम, इंटरकॉम और ये सारी चीजों के ऊपर सेल्स एंड सर्विस दोनों करते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास के बारे में। जनरली दो तरह के कैमराज आते हैं, एचडी और आईपी। एचडी कैमरा बहुत सालों से चल रहा है, थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट है, कोई छोटा दुकान में लगा, छोटा कोई ऑफिस में लगा, घर पे लगा, इन जनरली ऐसे जगह पे एचडी कैमरास का यूज होता है। बट आज के डेट में अगर कोई प्रोफेशनल कैमरा लगाने का सेटअप के बारे में सोचे तो जनरली आईपी कैमरा बेस्ट है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, इरेस्पेक्टिवली कोई भी कंपनी का हो, लेकिन आईपी कैमरा बेस्ट है क्योंकि आईपी कैमरे की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, आईपी कैमरे की वीडियो कंप्रेस। दो तरह के कैमरे में से एक आता है एचडी कैमरा। जनरली ये कैमरे होते हैं डोम कैमरा, जो इनसाइड में लगता है। क्यों इनसाइड में लगता है? एक तो इसका एंगल थोड़ा चौड़ा होता है, इसका डेप्थ कम होता है लेकिन एंगल चौड़ा होता है, तो इनसाइड का जो भी सेटअप है हम लोगों का वो वैसे ही काम करता है। दूसरा, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है। आगे मूव करते हैं तो ये होता है बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा इन जनरली घर के बाहर के लिए है, तो बाहर में अगर कहीं पे भी लगे, मतलब जहां पे सनलाइट हो, डायरेक्टली सन का शेड आए, डायरेक्टली बारिश आए या धूप आए या कुछ भी आए, तो फिर ये कैमरे वहां पे यूज होते हैं। ये हो गया जनरल दो तरह के कैमरे। लेकिन अगर आप ये सारे सेटअप को थोड़ा सा अपग्रेड करने के और थोड़ा बेहतर कैमरे के बारे में सोचे तो वो कैमरा होता है आईपी कैमरा। तो आज हम लोग बात करेंगे टीएनडी के आईपी कैमरे के बारे में। टीएनडी टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है जो सीसीटीवी कैमरे को बनाती है। जनरली मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं, जो सारे कंपनीज सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करती है, हिकविजन हो गया, दहुआ हो गया। तो बेसिकली आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी कंपनी, पर मैंने रिसेंटली ये कंपनी के साथ काम किया और मुझे इसका जो आउटपुट है, वीडियो आउटपुट हो गया, ऑडियो आउटपुट हो गया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को भी थोड़ा सा बेटर रिजल्ट। आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को टीएनडी के साथ, सारा मॉडल तो मैं शेयर कर नहीं सकता, बहुत सारे वेरिएंट है इनके पास लाइक एनी अदर कंपनीज, पर मैं कोशिश करूंगा जनरली वो सारे कैमरास, जो सारे कैमरास हमारे रेगुलर लाइफ पे यूज होते हैं, नॉर्मल डोम हो गया, नॉर्मल बुलेट, नॉर्मल इन द सेंस 2 मेगापिक्सल बुलेट और 2 मेगापिक्सल डोम की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वेरिएंट आता है कि 2 मेगापिक्सल बुलेट है या फिर डोम है, लेकिन उसका जो नाइट विजन है वो कलर है, इसको कलर व्यू कहते हैं। उसके ऊपर आ जाता है डुअल कैमरा, उसके ऊपर आ जाता है 4MP वेरीफोकल। ये सारा कैमरे का बाइफर्केशन क्या है, मैं एक एक सेटअप आपको दिखाऊंगा, हाउ टू सेटअप द कैमरा, उसके बाद उसके आउटपुट को कैसे चेक कर रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, मैं ट्राई करूंगा ये सारा चीज आप लोगों को बताने के लिए। आई थिंक जो भी सीसीटीवी कंपनी आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है नहीं, पर ये कंपनी ऐसा है जो बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं। मैं वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको एंड तक बताता रहूंगा कि क्या क्या इसके अपडेट हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, सारे सीसीटीवी कंपनी 19-20 अच्छे हैं। कोई लोग कहता है कि हिकविजन बढ़िया है, कुछ कहते हैं कि दहुआ बढ़िया है, कुछ कहते हैं कि सीपी प्लस बढ़िया है। मैं मानता हूं एज अ टेक्नीशियन कि सारे कंपनी 19-20 है, तभी जाके सारे कंपनी चल रहे हैं। पर मैं आपको पर्टिकुलरली आज के वीडियो में टीएनडी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है टीएनडी का डोम कैमरा। ये हो गया डोम कैमरा, इसके साथ शिफ्ट करते हैं, उसके अगले में आते हैं टीएनडी का बुलेट कैमरा। ये आउटडोर कैमरा है, ये जनरली छत के, जहां पे छत नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट है, डायरेक्ट डेलाइट है, या फिर डायरेक्टली बारिश हो रहा है, ऐसे जगह पे ये बुलेट कैमरे लगते हैं। इसका वाटर रेजिस्टेंट लेवल बहुत अच्छा है। आगे मूव करते हैं, ये हो गया टीएनडी का कलर गार्ड, जो कि 2 मेगापिक्सल कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल कैमरे के साथ साथ ये नाइट विजन में कलर देता है। इसकी कलर IR क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और साथ में अगर बात करें इसकी लेंस की, तो इसका लेंस भी आपको बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देता है। तो बढ़ते हैं अगले कैमरे की तरफ। ये है टीएनडी का वेरीफोकल कैमरा, 4mm वेरीफोकल कैमरा। तो जनरली बहुत लोगों को पता है जो ऑलरेडी सीसीटीवी के साथ रिलेटेड है, या फिर ये टर्म्स के बारे में कि वेरीफोकल क्या होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वेरीफोकल क्या होता है, कोई बात नहीं, वीडियो के साथ बने हुए रही है। जब मैं इनका स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इनका इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा, तब मैं आपको डायरेक्टली ये वेरीफोकल का डिफरेंस भी समझा। मूविंग फॉरवर्ड, जो आज के मेरे वीडियो का सबसे स्पेशल सीसीटीवी कैमरा होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है टीएनडी का ओमनी डुअल कैमरा। ये देखने में थोड़ा स्पीकर जैसा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो आपके फीचर्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि टीएनडी आईपी कैमरे को कॉन्फिगर कैसे किया जाता है। कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जो जैसे अलग कैमरे कॉन्फिगर होते हैं ये भी ठीक वैसे ही कॉन्फिगर होता है। बट इसमें डिफरेंस एक है कि ये प्लग एंड प्ले के साथ आता है, मतलब यहाँ पे आपको दूसरे कंपनी जैसा कैमरे को, NVR को, नेटवर्क को, सारा चीज को सेम लाइनिंग में पर्टिकुलरली अलग अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप NVR को सेटअप कीजिए और ये ऑटोमेटिक प्लग एंड प्ले होगा। अभी हमारे पास फिलहाल NVR तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली अपने सिस्टम के साथ लगाएंगे और इसकी पिक्चर क्वालिटी को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये है हमारा सिस्टम और ये है हमारा जियो का
राउटर। तो अभी कैसा है कि जियो के राउटर के साथ ऑलरेडी एक वायर के थ्रू मेरा डेस्कटॉप कनेक्टेड है। अभी इसके साथ हम लोग लगाएंगे एक पीओई, और पीओई लगाने के बाद पीओई को कनेक्ट करेंगे अपने राउटर के थ्रू। तो जैसे ही हम लोग राउटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि आईपी कैमरा पीओई के थ्रू राउटर के साथ जाएगा, और सेम नेटवर्क केबल के थ्रू मैं उसको यहां से एक्सेस कर सकता हूं। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, मैं आपको सारा चीज वन बाय वन बता। इसके लिए सबसे पहले तीन पैच कॉर्ड चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग एक ही कैमरे को इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो एक पैच कॉर्ड, दो पैच कॉर्ड और तीसरा मेरे इंटरनेट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये आ गया हमारा पीओई स्विच। जनरली हमारे पास एक 8 पोर्ट का पीओई स्विच है जो 75 वॉट का है, तो ये आपको काफी दूर तक वीडियो दे देता है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे बाहर। ये रहा इसका पावर केबल, ये बॉक्स की हमें उतना ज्यादा जरूरत है। पहले क्या करेंगे, पावर केबल के साथ पीओई को कनेक्शन करके पीओई को पावर देंगे। पहले यहाँ पे पावर पोर्ट को कनेक्ट करेंगे और इसको लेके आएंगे। पावर कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने पावर दिया यहाँ पे पावर लाइट ग्रीन किया, इसका मतलब पीओई हो गया ऑन, यहाँ पे पावर शो कर। इसके साथ सबसे पहला जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन होगा हम लोग मेरे राउटर को, मेरे डेस्कटॉप को और कैमरे को सेम नेटवर्क पे रखेंगे। पहले ये जो इंटरनेट का केबल है, ये इंटरनेट का केबल डायरेक्टली मेरे राउटर के साथ, ये मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये केबल को हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इसके अपलिंक पे। जैसे मैंने अपलिंक पोर्ट में डाला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपलिंक का ब्लिंक आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटरनेट स्विच तक पहुंच गया है। अभी इसका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा, वो नेक्स्ट कनेक्शन में हम लोग एक छोटा सा कॉर्ड लेंगे, जो कॉर्ड को पीओई से लेकर डेस्कटॉप तक कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट। अभी इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे कैमरे को। तो सबसे पहले एक बेसिक कैमरा मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं, जो है टीएमडी का डोम, 2MP डोम कैमरा, 3.6mm लेंस के साथ, स्टैंडर्ड लेंस और स्टैंडर्ड जूम के साथ। ये कैमरा देखने में थोड़ा बड़ा है साइज में, लेकिन इसकी फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, दिखाता हूं। अब एक तीसरा पैच कॉर्ड लेते हैं, जो पैच कॉर्ड को थोड़ा सा लंबा रखते हैं ताकि मैं यहां से आपको आउटसाइड का भी व्यू दिखा सकूं, वो वायर का कनेक्शन में मिल जाए। तो सबसे पहले जो करना है वो इसको कनेक्ट करना है पीओई पोर्ट के साथ। जनरली पीओई पोर्ट का काम होता है डेटा को यहां तक लेके आना, और कैमरे के डेटे को मशीन तक पहुंचाना, और कैमरे को पावर सप्लाई देना। एक मैंने यहां प्लग किया है और दूसरा मैं कैमरे के पोर्ट में प्लग करूंगा। तो जैसे मैंने प्लग किया, आप देख सकते हैं कि यहां पे पावर सप्लाई का कनेक्शन आ चुका है, और इसके बाद कैमरा लोड लेगा। जैसे ग्रीन लाइट जला, आप समझ लीजिए कैमरा लोड लिया। अभी मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसमें कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है जिसके थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना पड़े। फिर भी आईपी कैमरा है, कभी कभार कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ता है, जैसा मुझे अभी पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास NVR नहीं है, मैं उसको कंप्यूटर डेस्कटॉप में चलाने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले आते हैं गूगल क्रोम में, यहां पे लिखेंगे सर्च कॉन्फ़िग टूल, SearchCH स्पेस CONFIG स्पेस TOOLS। सर्च कॉन्फ़िग टूल्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा पहला लिंक, ये ओपन करेगा TND के सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड सेंटर के अंदर आके VMSN टूल्स पे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, जो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको help.tndcloud.com, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको दूसरे डाउनलोड पेज पे, जहाँ पे आपको क्लिक करना है टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे सर्च कॉन्फ़िग टूल फॉर विंडोज, फॉर मैक और रिकॉर्डिंग वार्निंग ऑडियो टूल की लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको, अगर मेरा सिस्टम विंडोज है तो मुझे विंडोज वाला सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और अगर आपका सिस्टम मैक है तो फिर आपको, या फिर आप एप्पल यूज करते हो तो बेसिकली तो आपके लिए मैक वाला सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो मेरा विंडोज है, मैं सबसे पहले डाउनलोड करता हूं विंडोज को। ये एक वैल्यू आएगा जहां पे आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हो चुका है डाउनलोड, अभी इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डबल क्लिक, ये बेसिक सा एप्लीकेशन डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है वही।
अगर ऐसा ऐसा आपके पास आ रहा है प्रोटेक्टेड पीसी का, तो इसमें बस क्लिक करके इसको रन एनीवे करना पड़ेगा तो फिर ये चल जाएगा। कभी कभी विंडोज 10 के नए वर्जन में बाहर के आउटसाइडर्स एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करते, या फिर वो एक सिक्योरिटी वार्निंग देता है कि वो सपोर्ट ना करे इसके लिए, लेकिन आप चाहो तो इसको फिर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस आएगा, आपको चूज़ करना है इंग्लिश, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करते करते इसको इंस्टॉल करना है। अब हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट, क्लिक करना है फिनिश पे। जैसे क्लिक करेंगे ये हो गया इंस्टॉल। अभी सारे चीज़ों को करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च कॉन्फिग टूल। सर्च कॉन्फिग टूल में क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो फिर ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अलाउ एक्सेस, सारा परमिशंस देना है इसको। आई अंडरस्टैंड ये पहला बार डाउनलोड कर रहा हूँ तो आपको भी ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने पड़ेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका कैमरा कनेक्ट हो गया, वैसे यहाँ पे सर्च कॉन्फिग टूल के अंदर ये आपको एक कैमरा शो कर रहा है। यहाँ पे कलर शो कर रहा है रेड, इसका मतलब ये कैमरा अभी भी इनएक्टिव है। यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा होगा नॉन एक्टिव लिखा होगा। सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे बॉक्स पे और उसके बाद इसमें क्लिक करेंगे ये आईपी के ऊपर डबल क्लिक। जनरली टीएनडी का जो कैमरा है वो 192.168.1.2 ये इसका डिफॉल्ट आईपी है। जैसे इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन होगा। तो सबसे पहले अगर ये कैमरा ऐसे ओपन नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये आपका डेस्कटॉप और आपका कैमरा सेम सीरीज में है कि नहीं। तो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताता हूँ कि जो कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका डिफॉल्ट सीरीज है 192.168.1.2 और जो इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका डिफॉल्ट आई पी है 29.1 क्योंकि वो जियो का है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसके प्रेफरेंसेस को। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है इथरनेट। इथरनेट के अंदर चेंज एडेप्टर ऑप्शन, चेंज एडेप्टर ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको शो करेगा। आप इसमें डबल क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको शो करेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पॉपअप आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्टेन के लिए दिया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज करके मैनुअल कर देंगे। मैनुअल में डालेंगे 192.168.1. कोई एक और आईपी एड्रेस डाल देते हैं जैसे कि 100 ताकि इसका आईपी क्लैश ना करे, सीरीज 1 के सीरीज में जाएगा। सबनेट मास्क जनरली 255.255.255.0 ही होता है। इसका गेटवे भी हम लोग रखेंगे सेम आईपी के सीरीज में जैसे कि 192.168.1.1। अभी इसका जो डीएनएस आएगा, जनरली हम लोग चाहे तो कोई भी डीएनएस यूज कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है गूगल का, जिसमें हम लोग करेंगे 8.8.8.8 और नीचे ऑल्टरनेट पे 8.8.4.4। जैसे ये कंप्लीट हो जाए हम लोग क्लिक करेंगे ओके, फिर दोबारा ओके और क्लोज। इसको जैसे ही क्लोज करेंगे, अभी चेक करना है अगर कि ये आईपी का सेटअप चेंज हुआ है कि नहीं, सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट बटन में, टाइप कीजिए CMD। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है आईपी कॉन्फिग, IPConfig। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको शो कर रहा है 192.168.1.100, इसका मतलब आपका पीसी भी अभी 1 के आईपी सीरीज में आ चुका है। अगेन यू नीड टू डबल क्लिक ऑन दिस आईपी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका सेटअप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका इनएक्टिव कैमरा आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड, लाइक एनी अदर कंपनी जहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करना पड़ता है। सिर्फ इसका प्रोसेस, इसका जो भी आपका डायलॉग बॉक्स आता है या फिर जो भी इसका विजुअलाइजेशन आता है ये दूसरे कंपनी से अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली करना आपको सेम चीज़ है। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक पासवर्ड देते हैं admin@123। अगेन कन्फर्म पासवर्ड में admin@123। एक बार चेक कर लेते हैं सही आया। ईमेल यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑप्शन है, कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा यूजर नेम, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सीसीटीवी कंपनी का यूजर नेम होता है एडमिन। आप यहाँ पे कंट्रोल ये कीजिए एडमिन और उसके नीचे आते हैं पासवर्ड पे। जैसे टैब में आप पासवर्ड में आएंगे यहाँ पे आपको टाइल करना है वो वाला पासवर्ड जो आपने एक्टिवेशन के टाइम पे दिया था, लाइक admin@123। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया यहाँ पे ओपन हो चुका है हम लोगों का कैमरा। अभी इसको हम लोग इनसाइड के जगह थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ताकि वो बाहर का एरिया देख के आप लोगों को कम से कम समझ में आए कि एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग बाइक का नंबर ये बहुत नज़दीक है तब दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर का नंबर प्लेट आपको तो दिखेगा नहीं, वो तो पॉसिबल है नहीं।
पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जनरली बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर दिखेगा पिक्चर क्वालिटीज में, डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। तो TNT का बुलेट कैमरा कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे TNT की खूबसूरत ब्रांडिंग है। अभी इसको फिर से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाते हैं। तो सिमिलरली ये वाला कैमरा भी अपन लॉग इन करेंगे, यहाँ पे आईडी होगा एडमिन और पासवर्ड होगा अगेन ADMIN@123। लॉग इन, जैसे लॉग इन करेंगे ये देखिए आ गया हम लोगों का बुलेट कैमरा, ये हम लोगों का बुलेट कैमरा है। ये हम लोगों को फिर से आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाएंगे। कलर वगैरह सेम ही है, बस एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा नैरो है, डोम थोड़ा सा वाइड था, दैट्स इट। ये 3.6 था और ये 4 था। बुलेट कैमरा 2MP नॉर्मल, अभी आप लोगों को दिखाएंगे जो 2MP कलर व्यू कैमरा है उसको। ये रहा हमारा कलर व्यू कैमरा, तो दिखने में ये दोनों कैमरा लगभग सेम है, जो नॉर्मल कैमरा है और जो कलर कैमरा है। सिर्फ इसमें फर्क एक है कि कलर कैमरे में एक्सटर्नल पावर का आउटपुट दिया हुआ है। अगर POE नॉर्मल नहीं रहे या फिर आप लोग नॉर्मल डेस्कटॉप स्विच के थ्रू कनेक्शन कर रहे हैं तो इसको आप नॉर्मल 12 वोल्ट 1 एम्पीयर के एडाप्टर से पावर दे सकते हैं, जो ये वाले कैमरे में ऑप्शन नहीं है, इसको सिर्फ POE के थ्रू ही चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसको प्लग किया और फिर वही सेम प्रोसेस से ये कैमरे को भी चालू कर लिया। अगर ये कैमरे को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको देना पड़ेगा एडमिन, नीचे देना पड़ेगा पासवर्ड admin@123। अगेन ये सारे न्यू कैमरे हैं तो इनको सारा सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में दिखाया वो सारा चीज़ को प्रोसेस करने के बाद ये एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद अगेन आप देख सकते हो कि हमारा कैमरा हो गया चालू, ये हो गया कलर व्यू कैमरा। अभी इसको बाहर की तरफ फेस करते हैं। अभी वैसे डे लाइट है तो डे लाइट में आपको नाइट विजन वाला डिफरेंस उतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको इनसाइड का एक डार्क व्यू दे पाए। तो जैसे कि मैंने बताया ये हो गया शॉप के इनसाइड वाला, तो अभी हम लोग करेंगे इसका लाइट बंद। लाइट बंद करो थोड़ा आगे आओ ताकि ये डिस्प्ले का लाइट चला जाए। अब होगा इसका नाइट विजन ऑन। तो ये जो इसकी IR क्वालिटी है जैसे कि आप देख सकते हैं IR क्वालिटी बहुत बढ़िया है। थोड़ा अंदर की तरफ जाओ, अगर कोई खड़ा है तो उसका फेस दिख रहा है कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर पूरा 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 डार्क है, तो ये डार्कनेस के अंदर भी जो फेस आ रहा है प्रॉपर आ रहा है। 2 मेगापिक्सल में जनरली इससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं आता है, लेकिन ये फेस में अगर आपको किसी को कैच करना है, किसी भी बैड इवेंट में किसी को पकड़ना है तो मेरे हिसाब से देख रहे हैं 2MP डोम, 2MP बुलेट और ये हो गया 2MP कलर व्यू बुलेट। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा उससे स्पेशल और थोड़ा उससे अपग्रेडेड कैमरा। ये हो गया 4 मेगापिक्सल वेरी फोकल। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वेरी फोकल का मतलब होता है कि उसके अंदर का जो लेंस है वो जूम होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। जैसे कि ये हो गया कैमरा जो दिखता है कैमरा कुछ ऐसा, जो साइज में थोड़ा बड़ा है, काफी बड़ा है और थोड़ा हैवी भी है, तो इससे समझ में भी आ रहा है कि इसके अंदर मोटर है कुछ है और कुछ हैवी मटेरियल्स है। तो ये हो गया बाकी कैमरा के साथ डिफरेंस। ये वाला कैमरा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हल्का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा हेवी है। तो जनरली क्या होता है इन सारे कैमरों पे, जब हम लोग फोकस को एक जगह पे रख के उसको जूम करते हैं तो इसका लेंस जूम नहीं होता है, सिर्फ इसका मेगापिक्सल जूम होता है और पिक्चर फट जाता है। पर इसमें क्या है, जो लेंस है वो 2.8mm या 4mm का फिक्स लेंस होता है, पर इसमें जो है वो वेरी फोकल लेंस है, मतलब वो लेंस 2.8mm से लेके 12mm तक जूम कर सकता है। मतलब इसको अगर हम लोग चाहे जूम करना तो फिर सिर्फ पिक्सल जूम नहीं होगा, इसके अंदर का मोटर एग्जैक्ट DSLR जैसा रोटेट करेगा और चीजों को नजदीक लेके आएगा या दूर लेके जाएगा, जूम इन करेगा या जूम आउट करेगा, तो इससे इसके पिक्चर क्वालिटी और बढ़िया आती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। इक्वल वही नया कैमरा है तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा प्लग। जैसे हम लोगों ने प्लग किया ये हो जाएगा पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड और अगेन हम लोग आएंगे कंप्यूटर के स्क्रीन में, वहां पे आप लोगों को दिखाएंगे ये कैमरा कैसा पिक्चर क्वालिटी देता है। तो अगेन सिमिलरली इसका डिफॉल्ट टाइप ही है 1.2 admin@admin@123। इसको करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद चालू हो जाएगा अपना कैमरा। अभी इसको ले जाएंगे बाहर और आपको दिखाएंगे कि इसका जूम इन कैसे काम करता है।
ओके गाइस, हम लोग अभी कैमरे को कर दिए बाहर की तरफ मूव, तो कहीं पे एक जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक दुकान दिख रहा है, इसको कोशिश करते हैं जूम करने की। जैसे इसको जूम करेंगे, इसका कैमरे का लेंस हो रहा है जूम, पहले ये हो जाएगा ब्लर और उसके बाद ये हो जाएगा फोकस। इसको फोकस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम लोग नॉर्मल कैमरे को इतना जूम करेंगे तो इतना जूम होगा ही नहीं। ज़रा कैमरे को नीचे की तरफ मूव करो हल्का। तो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये लगभग रोड के इस पार से उस पार कम से कम 20 मीटर दूर का है, 20 से ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। अगर इसको फिर से जूम आउट करेंगे तो ये ब्लर होके फिर जूम आउट होगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इतना दूर आके ये फिर से फोकस करेगा। फोकस होने में ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लेगा। जैसे लेंस फोकस होगा, पिक्चर क्वालिटी फिर से क्लियर हो जाएगी। तो ये होता है डिफरेंस। अगर हम लोग कोई भी नॉर्मल कैमरे को जूम करते हैं तो उसका पिक्चर फट जाता है, लेकिन अगर इसको जूम करेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक दुकान तक का मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। जैसे ये जूम इन हो रहा है तो इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही है, ये प्रॉपर जो क्वालिटी है 12mm लेंस का वही क्वालिटी आपको शो कर रही है। इसमें क्या है कि जो दूर आदमी खड़ा है उसका भी फेस अच्छे से दिखेगा। तो कोई भी इंडस्ट्रियल जगह के मेन गेट पे या फिर कोई भी बड़े वर्कशॉप के मेन गेट पे, दराज के मेन गेट पे, ऐसे जगह पे ये और साथ में आपको दिखाया 4MP वेरीफोकल। अभी मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग कैमरा दिखाने वाला हूँ जो डुअल लेंस वाला कैमरा है, मतलब ये कैमरे में दो दो लेंस है। तो ये है TND का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जिसका नाम है ओमनी। तो आइए मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको बॉक्स को ओपन करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया कवर के साथ आता है ये, ताकि ये किसी भी तरफ से चोट लगे या धक्का लगे तो कैमरा खराब ना हो। और ये कैमरा कुछ ऐसा दिखता है, कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। इसके पास ये दो लेंसेज हैं, ये दो लेंसेज को हम लोग अपने हिसाब से दो अलग अलग डायरेक्शन में सेव कर सकते हैं। मैं आपको इसको इंस्टॉल करूंगा और इसका वीडियो दिखाऊंगा, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो लेंस है, जनरली नॉर्मल डोम कैमरे का लेंस होता है 20 मीटर के डेप्थ का, मतलब उसका जो IR होता है वो 20 मीटर दूर तक का पिक्चर देख सकता है। पर जो TND का ये जो डुअल लेंस वाला कैमरा है, ये जनरली 50 मीटर दूर तक IR देता है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो ये कॉस्ट भी बचाता है, आपका वायरिंग का कॉस्ट भी बचाता है। कहीं अगर ऐसा जगह है, सपोज एक लाइट पोस्ट लगा हुआ है जिसके दोनों साइड देखना है, या फिर कोई गली का मोड़ है जहाँ के दोनों साइड देखने हैं, या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको दोनों अलग अलग एंगल पे देखने हैं, तो जनरली आपको दो कैमरा और दो वायर खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कैमरा रहा तो एक ही वायर से आप दोनों एंगल को देख सकते हैं। इसका IP सेम रहेगा, मतलब दो लेंस के लिए दो अलग अलग IP नहीं होंगे, एक ही IP होंगे, लेकिन इसका जो चैनल का व्यूज होगा वो तो अलग अलग होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसको इंस्टॉल करके कि ये कैसा वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो TND का ये जो इंटरफेस आया है, ये बाकी कैमरे तो थोड़ा सा अलग है, ये TND वाला पोर्शन वो कॉर्नर साइड पर था, लेकिन ये बीच में है। तो चलिए फिर से इसमें यहाँ पे देंगे पासवर्ड ADMIN@123 और जैसे इसको करेंगे ओपन, ये हो गया इसका दोनों कैमरा ऑन। अभी क्या है, कलर थोड़ा व्हाइट में है, इसके लिए इसका शटर स्पीड में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इसको ले जाएंगे बाहर और बाहर ले जाके इसको सेट करेंगे और फिर आपको इसकी क्वालिटी दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो व्यू आ रहा है, ये लेफ्ट से लेके राइट तक का पूरा व्यू आ रहा है। ये ग्रीन कलर का बाइक, ये साइकिल ये क्रॉस कर रहा है, तो एग्जैक्ट एक पॉइंट है जहाँ पे ये थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, दोनों पिक्चर एग्जैक्ट मार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि 180 डिग्री का व्यू नहीं देता है, बट मोस्टली 160 डिग्री का व्यू ये देता है। इसका एक एंगल शिफ्टिंग मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ ये येलो कलर के बिल्डिंग की तरफ फेस कर इसके एकदम ऑपोजिट वाले डायरेक्शन की तरफ फेस कर। एंगल सेट करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक कैमरे का एंगल है जो दुकान के बाहर की तरफ शो कर रहा है और एक एंगल है जो दुकान के अंदर की तरफ शो कर रहा है। एग्जैक्टली ये हो गया डिफरेंस। अगर आप एक ही कैमरे के पॉइंट से दोनों कैमरे को चलाने की कोशिश करेंगे तो भी आप चला सकते हैं ये ओमनी कैमरे के साथ। उसमें आपको वायरिंग का खर्चा भी बचता है और कैमरा भी। मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, ये है 2 MP डोम कैमरा, ये हो गया 2 MP बुलेट कैमरा, ये वाला हो गया 2 MP बुलेट जो की आपका कलर व्यू है, ये हो गया 4 MP वेरीफोकल लेंस जो की आपको बहुत सुपर पावर वाला जूम देता है, और इसके साथ हम लोग एक एक्सक्लूसिव मॉडल लेके आए हैं जो है TND का ओमनी कैमरा। इसमें डुअल लेंस है और दोनों एंगल में शो कर सकते हैं, दोनों एंगल में वीडियोस देख सकते हैं।
कोई भी कंपनी का कैमरा हो, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की असिस्टेंस की जरूरत है तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और नीचे दिए गए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिंक से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही सारे कॉन्टेंट देखने के लिए जहाँ पे आप लोगों को कंपेरिजन में दे सकूँ कि कौन सा कैमरा बेस्ट है आपके लिए, कौन सा कैमरा चीप कम प्राइस में आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन देता है, कौन सा कैमरा कंपनी के गारंटी वारंटी वाइज बेटर है, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching Take for Granted.